एक साधक है, मेरा अभी साधना कर रहे थे लगातार, और वो कह रहे थे गुरु जी मैं कुछ हो नहीं रहा है। और जब वो अपने चेहरा देख रहे थे शीशा में, तो उनके पीछे उनकी देवी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, सुंदरी देवी की साधना कर रहे थे। तो उनका बहुत ही सुंदर रूप था, तो वो घबरा गए और शीशा उनके हाथ से टूट गया। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो साधकों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत अच्छी भी साधना देने जा रहा हूँ साधकों आज में। एक और साधना बनाने बताने से पहले साधकों, मैं आपको एक बहुत ही गुड़ रहस्य की बात बताने जा रहा हूँ कि हम जो साधना करते हैं साधकों, हमें अपने साधना कब सिद्ध होगी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपने को कर्ता मानते हुए लगातार साधना करते रहना है, हर अनुवर्तन साधना करते रहना है। और साधना ये ऐसा करते करते हमारी साधना कब सिद्ध हो जाती है ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कब सिद्ध होगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें फल मिल जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा साधकों। और तुम्हें पता कब चलेगा, जब तुम्हारी कही हुई बातें सिद्ध हो जाएंगी, तुम्हें भविष्य वर्तमान भूत पता लगना शुरू हो जाएंगे। कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है पहले ही पता चल जाएगी, आवाज़ होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे सामने, प्रत्यक्षीकरण अचानक हो जाएगा। या अथवा तुम जब शीशा देखते हो तो शीशा में तुम्हारे पीछे कोई देवी या देवता खड़ा हुआ दिखाई देगा तुम्हें, तब तुम्हें पता चलेगा कि साधकों मेरी साधना सिद्ध हो गई, ये तो सिद्ध हो गई मेरी। ऐसा ही होता है साधकों। अब अपना वीडियो कैमरा घुमाओगे तो वीडियो कैमरा में तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बाद में यदि आप वीडियो कैमरा को जो तुमने वीडियो बनाया है उसमें तुम्हें कुछ दिखाई देखोगे तो उसमें तुम्हारे इष्टदेव दिखाई दे जाएंगे साधकों। तो साधना करते 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 साधकों साधक स्वयं सिद्ध हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। और दूसरी बात क्या है साधकों, साधना के टाइम में संकल्प नहीं लेना चाहिए कि एक भक्ति योग के द्वारा साधना करते रहे, अगर बीच में साधना रुक भी जाती है साधकों तो भक्ति योग में कोई दोष नहीं लगता है। दूसरा, आप अपने को कर्ता मानते हुए करिए कि मैं तो हे प्रभु कृष्ण मैं करने वाला नहीं हूँ, हाँ मेरे अंदर जो विद्यमान है आप कर रहे हैं मैं तो करता हूँ, आप करो तो अच्छा ना करो तो अच्छा। तीसरी भी चौथी बात, हे श्री कृष्ण ये मंत्र आप ही का है, आप ही हो, आप मेरे अंदर विद्यमान हो, आप सबूतों में उसी के अंदर विद्यमान हो, तो ये मैं उपासना साधना तुम्हारी ही कर रहा हूँ ना कि उसकी कर रहा हूँ। तो कोई भी साधना करते वक्त आप श्री कृष्ण की छवि को ध्यान में रखें और आपको साधना तुम्हारी सिद्ध होने में साधु को देर नहीं लगती है। और बहुत सी बातें साधु को जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये बातें हैं साधु को। एक साधक है मेरा, अभी साधना कर रहे थे लगातार और वो कह रहे थे गुरु जी मैं कुछ हो नहीं रहा है। और जब वो अपने चेहरा देख रहे थे शीशा में, तो उनके पीछे उनकी देवी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, सुंदरी देवी की साधना कर रहे थे। तो उनका बहुत ही सुंदर रूप था, तो वो घबरा गए और शीशा उनके हाथ से टूट गया। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। तो ये स्थिति में साधक को घबराना नहीं है, मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ इस बात को कि ये स्थिति में साधक को घबराना नहीं है, आपका उनका सुस्वागत करें उनका, और अनंत प्रेम के द्वारा फिर उन्हें अनंत प्रेम करते रहें जो तुम्हारे सामने आंखों के सामने भी आ जाएंगे। साधकों को दरअसल क्या होता है कि साधना तो सिद्ध हो जाती है लेकिन हमें दिखाई कम देती हैं ये, क्योंकि वो आंखें हमारी प्रकृति आंखें नहीं हैं, इन प्रकृति आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं। या तो हम स्वयं सिद्ध हो जाएं अपनी आंखों को सिद्ध कर लें, या स्वयं बुझ जाएं भक्ति योग के द्वारा, तब हो जाती हैं। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ साधकों। तो ये चीज़ एक साधक के साथ हुई है। और भी मेरे पास साधकों अनुभव हैं जो चंद्र ग्रहण में हुए थे और जो सूर्य ग्रहण में हुए थे, जो साधकों मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि साधना साधक की साधना खंडित हो रही है इस बात से। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अपनी वाह वाह कराने के लिए कि किसी बच्चे की साधना को खंडित कर दूँ, उसकी मेहनत को बेकार कर दूँ साधकों। तो ये बात साधकों यहाँ तक होगी, अब हम आगे की बात करते हैं।